हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल अरबाज इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगा एसी 220 वोल्ट को हम 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें इस सर्किट के द्वारा। देख सकते हैं ये 220 वोल्ट की लीड है वायर, इसका वायर जा रहा है सीधा यहाँ पर, इसमें एक बिग कैपेसिटर लगा हुआ है 400 वोल्ट 225 जूल का, और एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो एसी चार्जर में मिल जाएगा आपको। वही ख़राब मोबाइल चार्जर से आप ये सब सामान निकाल कर बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस, तो आप देख सकते हैं ये एक ख़राब चार्जर है, जिस पर से आप ये छोटे छोटे डायोड दिख रहे हैं ब्लेज रेक्टिफायर, आप इसे बना सकते हैं। इसको निकाल लीजिए और कुछ रजिस्टर भी निकाल लीजिए सबके। देखिए मेरे पास ये सब डायोड निकले हुए, इसका नंबर है IN4007। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका IN मिट गया, IN4007 का डायोड है ये। आपको इसी साइज में डायोड लेना है, अगर आपको चार्जर से नहीं मिलता तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप में से जाकर ले सकते हैं, 1 रुपये का एक पड़ जाएगा आपको। तो आपको ये ले लेना है और इसको इस तरह लगाना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो डायोड है इसमें एक तरफ सिल्वर लाइन है और एक तरफ पूरी काली है ये। तो आपको इस तरह लगाना है इस डायोड को। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ गाइस। देखिए सिल्वर लाइन है और ये भी सिल्वर लाइन है। आपको ये ध्यान रखना है ये सिल्वर लाइन प्लस है और ये इसकी बॉडी इस साइड वाली माइनस है। देखिए मैंने इसमें सिल्वर को मिला दिया, सोल्डिंग कर दिया, और यहाँ पर देखिए बॉडी का जो माइनस पार्ट है इसे भी मैंने सोल्डिंग कर दिया, मिला दिया आपस में। और आपको दो टाइम में मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ पे दोनों प्लस है। आपको ये माइनस प्लस को लगा देना है, मिला देना है, और ये माइनस प्लस को मिला देना है। ये जो कैपेसिटर है बड़ा वाला, इन दोनों के लेग पर आपको एक रजिस्टर लगाना है, इसका मैं आपको डायग्राम भी दे दूंगा। ये 220 वोल्ट का एसी सप्लाई है, एक वायर आपको कैपेसिटर के इस लेग पर लगाना है और एक वायर इस लेग पर लगाना है डायोड के। देखिए मैंने एसी सप्लाई इसमें दे दी, और जो इसका प्लस टर्मिनल है और माइनस टर्मिनल है, देखिए ये माइनस वाला टर्मिनल है आउटपुट और ये प्लस आउटपुट है। तो मैंने प्लस वाले से रेड वायर निकाला है और माइनस वाले से ब्लैक वायर। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। गाइस, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा आपको और आपको इसके नुकसान भी बताऊंगा, आपको इसके फ़ायदे ही बताऊंगा। तो आप अगर 18 साल से नीचे हो तो आप इस चीज़ को ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे एसी टू एसी सप्लाई होता है, डीसी सप्लाई आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, एसी कंड मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे कोई एग्जॉस्ट फैन या फिर कोई 12 वोल्ट का एलईडी पैनल देना चाहते हो तो वह सब जल जाएगा इससे। तो आप इसको अपने घर के बाहर यूज़ कर सकते हैं। आप आरजीबी लाइट का लड़ी बना सकते हैं और उसमें यह लगा सकते हैं। तो आप इस सप्लाई से डीसी इक्विपमेंट चला सकते हैं, इसीलिए आप इसको बनाने से पहले किसी बड़े की निगरानी में कीजिएगा। और हाँ गाइस, आप इससे कोई बैटरी चार्जिंग नहीं कर सकते, अगर आप बैटरी चार्जिंग करेंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए आप इससे बैटरी चार्जिंग मत करें। गाइस, आपको भी ये घर पर बनाना है तो आप इस सर्किट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कैपेसिटर इसी नंबर का यूज़ करना है और डायोड भी इसी नंबर का, नहीं तो एक्सपर्ट हो जाएगा ये भी। अगर आप कोई और नंबर का कैपेसिटर लेते या फिर बड़े साइज का डायोड लेते तब तो आपको यही सेम चीज़ से बनाना है। आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट शॉप में जाकर आप ये सब चीज़ दिखा दीजिएगा, वो सब चीज़ दे देगा और आपका 20 रुपये के अंदर बन जाएगा ये वाला सामान। वरना आप ऐसे किसी पुराने चार्जर में से भी कुछ कंपोनेंट निकाल कर इसको बना सकते हैं। डायोड तो आपको इसमें से मिल जाएगा, और किसी एमरजेंसी लाइट के सर्किट में से आप इस बड़े वाले कैपेसिटर को निकाल सकते हैं।
ख़राब है, मैंने इस लाइट के कैपेसिटर को निकाल लिया है सर्किट में से, और ये भी मुझे वहीं पर मिला था कैपेसिटर के बाजू में, ये सोल्डरिंग किया आपको मिल जाएगा, आप इसको भी निकाल लीजिएगा। अगर आपको मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जानते हैं कि मेरा नया चैनल है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ सवाल होगा इस सर्किट के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।